दोस्तों आज मैं आपके लिए उम्मीद से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों की आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ना भूलें। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आती है, शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, आउटलाइन आपकी अच्छे से नहीं बन पा रही है, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। ऑनलाइन क्लासें आपको कैसे ज्वाइन करनी है इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में सोच रहे हों, शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हों, या अभी आप शॉर्ट हैंड सीख चुके हैं लेकिन आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, चाहे तो आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों, अपर निजी सचिव की तैयारी कर रहे हों, या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो शब्द हैं उनकी आउटलाइन बना के बता रहा हूँ, तो पहले इसे अच्छे से देखना, उसके बाद में आप इन्हें बनाने का प्रयास करें। सबसे पहला है उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे, उम्मीद कर सकते हैं, बहुवचन है ये, उम्मीद कर सकते हैं। आगे है इस बात की उम्मीद है, इसका सब चिन्ह लाइन से ऊपर, ये बात की उम्मीद और ये है इस बात की उम्मीद है। आगे है उम्मीद कायम है, ऐसे लिखेंगे, उम्मीद कायम है, हो गया, उम्मीद कायम है। इसी प्रकार से आगे शब्द है उम्मीद कर सकते थे, ऐसे लिखेंगे इसको, उम्मीद कर सकते और ये थे, बहुवचन हो गया, उम्मीद कर सकते थे। इसके बाद में है उम्मीद से अधिक, उम्मीद से अधिक, ये हो गया उम्मीद, ये से और ये अधिक। आगे हमारा शब्द है उम्मीद होनी चाहिए, ऐसे बनाएंगे, उम्मीद होनी और ये चाहिए, उम्मीद ये होनी और ये चाहिए। इसके बाद में आगे शब्द है हम सबको उम्मीद है, हम ये सबको उम्मीद और ये है, हम सबको उम्मीद है। आगे है उम्मीद से कम उत्पादन, उम्मीद से कम का सब चिन्ह और ये उत्पादन, ये हो गया उम्मीद से कम उत्पादन। आगे हमारा शब्द है उम्मीद करने के लिए, ऐसे बनाएंगे, उम्मीद करने के लिए, उम्मीद करने के लिए। इसके बाद में है उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। इसी प्रकार से आगे शब्द है उम्मीद से कम, उम्मीद से कम, ये हो गया उम्मीद से कम। इसके बाद में है मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि। आगे है उम्मीद की जानी चाहिए, इसी प्रकार से बनाएंगे, उम्मीद की जानी और ये चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए। इसी प्रकार से आगे शब्द है उम्मीद के मुताबिक, उम्मीद के और ये मुताबिक, मुताबिक का सब चिन्ह हो गया, ये हो गया उम्मीद के मुताबिक।
आगे है उम्मीद से ज़्यादा, इसको ऐसे बनाएंगे उम्मीद से और ये ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। इसके बाद में है यह तो उम्मीद से कम है, यह का सब चिन्ह लाइन से ऊपर, यह है तो उम्मीद से कम है, यह तो उम्मीद से कम है। इसके बाद में है उम्मीद से अधिक खपत, उम्मीद से अधिक और ये खपत, ये हो गया उम्मीद से अधिक खपत। लास्ट में है उम्मीद करने से पहले, उम्मीद करने से पहले, ये हो गया उम्मीद करने से पहले। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी, गलतियां भी आपकी कम आएंगी और आपको डिक्टेशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यही डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है। शुरुआत में डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइन बनाएं, उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखें, डिक्टेशन की बार बार प्रैक्टिस करें, शब्द चिन्हों की, सर्वनाम की, वाक्यांश की, इन सब की बुक में से आप डेली प्रैक्टिस करें। आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो शब्द हैं वो मजबूत हो जाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ना निश्चित है। और आपको इसके बाद भी कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या है, शॉर्ट हैंड लिखने में दिक्कत आती है, गलतियां अधिक आती हैं हिंदी की, या शॉर्ट हैंड में गलतियां ज़्यादा होती हैं, आउटलाइन आपकी अच्छे से नहीं बन पा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें हमारी दोनों समय चलती हैं, सुबह और शाम, आप किसी भी समय ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।